बखत सुनी भैया की ने आपती है। अरे मने मारो मेरे नाथ, अगर काऊ बहन को भैया अगर अदवर में साथ छोड़ के चला जाए, उस बहन को समझाओ और बाप के सामने, बाप हर बोझ को उठा सकता है पर एक बोझ ऐसा होता है जो बाप के बूते नहीं उठता, वो क्या होता है? जवान बेटा की मौत हो जाए बाप के सामने, वो बाप पर बोझ उठता नहीं है, पैर टूट जाते हैं और वो रुक्मणी दोनों हाथ जोड़ के बोली, नाथ भैया मेरो है मत मारो। और क्या कह रही हो? अरे मत मारो मेरे नाथ, बखत सुनी भैया की आवती है। अरे मत मारो मेरे नाथ, और अरे पहली सोते कार्तिक में जो दौज का समय आता है, मैं किन को पूजो नाथ, अरे मैं किन को पूजो नाथ, भगत सुनी भैया की आवती है। अरे मत मारो मेरे नाथ, उनमें से अगर एक भाई हो जाए खत्म, रक्षा बंधन पे आती तो है पर उस भाई की याद सबसे अलग हट गया वे, और कहती है भैया अरे तू जी सुने सावन में, आवे तू जी सुने सावन में, हो राखी बांधो जिन्ना तो वो रहती है पर वो एक बिल्कुल मरे के समान हो जाती है, हम विधवा हो जाती है। क्यों? या तो बेटी आप घर या फिर बेटी बाप घर, बेटी के दो घर होते हैं। और भैया की याद करके बोली, भैया अरे मुझे मारो मेरे नाथ, बखत सुनी भैया। और ये टहल सिंह बाबा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। भगवान कन्हैया मेरे बाबा का भव्य सुदन हो, समाज का सम्मान मिलता रहे। अरे मते मारो मेरे नाथ,
बोलिए गोविंद भगवान की जय।